हेलो बच्चों, पूर्णांक संख्याओं में आज हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं पर गुणन संक्रिया हम किस तरह से कर सकते हैं। तो गुणन संक्रिया में पूर्णांक संख्याएं आप जैसा कि जानते हैं तीन प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक संख्या। तो तीन प्रकार की पूर्णांक संख्याओं में जब हम गुणा करते हैं तो गुणन तीन प्रकार से विभाजित हो सकता है। पहला प्रकार है कि धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का गुणा, दूसरा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और तीसरा प्रकार है जिसमें दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि जब हमारी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, जब दोनों संख्याएं आपकी धनात्मक पूर्णांक होंगी तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं की भांति कार्य करेंगी। तो जैसा कि आप पूर्ण संख्याओं में गुणन की संक्रिया सीख चुके हैं, उसी प्रकार से उदाहरण के रूप में जैसे हमने 2 और 5 ले लिया, तो यदि ये धनात्मक पूर्णांक है प्लस के रूप में लिखे इस तरह से +2 × +5, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप उनका गुणन कर देंगे 2 × 5 = 10। और प्लस का चिन्ह आपको उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जिन संख्याओं के आगे प्लस नहीं लिखा होता है वहाँ पे प्लस समझा जाता है। तो इस तरीके से यदि पूर्णांक संख्याएं दोनों धनात्मक हों तो उनका एक साधारण गुणा जैसे कि आप पूर्ण संख्याओं में करते हैं उसी प्रकार से कर देंगे। दूसरा प्रकार है जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, तो जब पूर्णांकों में एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो इसे हम एक पैटर्न से समझ सकते हैं, जैसे -3 × 4 यदि हमें करना है तो -3 आपका क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और 4 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप देखते हैं -3 × 4, या इसे हम क्रम विलोम नियम से 4 × -3 भी लिख सकते हैं। तो अब 4 × -3 का तात्पर्य क्या हुआ कि -3 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, -3 + -3 + -3, यानी कि यह जो गुणन की प्रक्रिया है आप पहले भी सीख चुके हैं कि गुणन की प्रक्रिया क्या है, बार बार जोड़ने की क्रिया होती है। जैसे 3 × 2 को आप 3 + 3 भी लिख सकते हैं, या 3 × 5 को आप 5 + 5 + 5 भी लिख सकते हैं, ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो गुणन की जो संक्रिया होती है वो बार बार योग की क्रिया के द्वारा भी की जा सकती है, यानी योग को आप बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा करके भी गुणन की क्रिया को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 × -3 को हम लिख सकते हैं -3 + -3 + -3 + -3 कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से -3 4 बार आप योग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, -12। इसी तरीके से जब हम 3 × -3 करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, -9। फिर आप 2 × -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -6। फिर 1 × -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। एंड 0 × -3 = 0। तो आपको एक पैटर्न यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यह संख्या क्या हो रही है, क्रमशः 3 बढ़ती जा रही है। इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 3 है, और इन दोनों डिफरेंस का अंतर 3 है, और यहाँ भी अंतर 3 है। तो जो अब इसी क्रिया को जब हम आगे बढ़ाते हैं और शून्य के स्थान पर हम -1 × -3 करते हैं तो हमें यही 3 आगे बढ़ के मिलेगा, यानी जो यहाँ पे आपको 0 मिला था अब आप क्या करेंगे, 0 में +3 ऐड करेंगे, ये 3 हो जाएगा। अगेन जब -2 × -3 करेंगे तो इस 3 में फिर से एक +3 ऐड हो जाएगा और ये 6 बन जाएगा। यह क्रिया आपकी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी, यानी 6 + 3 = 9। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने सीखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग हम गुणन कैसे करेंगे, और यहाँ हमने देखा कि यदि दोनों संख्याएँ ऋणात्मक हो, दोनों पूर्णांक संख्याएँ ऋणात्मक हो, तो उनका गुणन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इस पैटर्न को देख करके हम ये कह सकते हैं कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि पूर्णांक संख्याओं के गुणन में यदि दो पूर्णांक जो है धनात्मक हो तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं की भांति सीधे सीधे गुणा करेंगे और चिन्ह हम कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि हमारे पास दोनों संख्याओं में से एक धनात्मक हो एक और एक ऋणात्मक हो तो हम क्या करेंगे,
उनके उन संख्याओं के निरपेक्ष मानों का गुणन करेंगे और अंत में एक ऋण संख्या का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं -12, -9, -6, -3। तो यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणांक क्या आता है, सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। तो इसी प्रकार से जैसे हमें 5 × -3 करना है तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों के निरपेक्ष मान लेंगे 5 × 3 = 15 और अंत में एक ऋण का चिन्ह आगे लगा देंगे। तो जब भी हमारा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम उनके निरपेक्ष मानों का गुणा करने के बाद सबसे आगे एक ऋण का चिन्ह प्रयोग कर देंगे। और जब हमारे पास दो पूर्णांक संख्याओं में दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके निरपेक्ष मानों का गुणा करके लास्ट में हम धनात्मक चिन्ह ही प्रयोग करेंगे या कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक और दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणन हम किस प्रकार से कर सकते हैं।